तो आप देखिए ये टूटा हुआ, इस पे कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, बच्चे के शरीर पे गिर जाएगा, इस पे ध्यान है, पहले बच्चा खतरा के कारण नहीं आ रहा है, जब तक ये आगे में है ना, सब सब क्वालिटी आज आज के समय में सब क्वालिटी आना चाहिए। हाँ ये पॉलिटिक्स की बात नहीं है, क्षेत्र के विकास के लिए ये जो टूटा हुआ इसका कोई ध्यान देने वाला है तो बताइए। इधर नहीं, ये बच्चा को खतरा हो, अभी खेलने के लिए जाएगा, बच्चा को ध्यान नहीं ना है। हम लोग यहाँ पर क्या मुझे दिख रही है, तो आप बच्चा किस खतरे की बात कर रहे हैं? ये भवन आज से, मैं 8 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, ये भवन पिछले 10 साल से है, पिछले 10 साल में एक भी घटना दिखाइए जो ऐसा कुछ हुआ हो। कह रहा है यहाँ पे जो रह रहा है, आप दिखाइएगा कम से कम, है यहाँ पे रह रहा है ना, ये लड़का भी इसी क्लास का स्टूडेंट रहा है, हम इसको पढ़ा चुके हैं, इससे पूछिए कि क्या इस तरह की कोई खतरा हुआ है? देख रहे हैं गिर रहा है तो कैसे, देखिए तो टूटा हुआ है, खतरा जब हो जाएगा तो पहले सचेत रहा जाता है। इस बात का बहाना कि यहाँ खतरा है इसलिए बच्चे नहीं आ रहे हैं, हाँ। ये तो आपका बेवजह वाला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे बिजली का सुविधा नहीं है, गर्मी लग रहा है, देखिए ये प्राइमरी स्कूल है, इसपे यहाँ पे बिजली का सुविधा है कि नहीं है, हाँ। ये बात पूछने पर अगर आप आएंगे, आपके विद्यालय का ये स्कूल है, यहाँ रोजाना 4 महीना में 4 बार चोरी होती है, ये दिख रहा है, यहाँ दिखाई पड़ रहा है, जब और जब अच्छी क्वालिटी यहाँ पे सब कुछ दिया जाएगा तब ना। यहाँ पे बाउंड्री नहीं है, चारों ओर से बाउंड्री रहता तब कैसे आ जाता इस अंदर में खुला, हम वही तो कह रहे हैं ना, मेरा गांव बहुत अभी ठीक है। यहाँ पे देखिए दीवार नहीं है कोई, तो कैसे अंदर नहीं आएगा वो बताइए। देखिए ये सब चीज है ना बच्चे, आप इस बात को समझिए, ये कोई आज की बात नहीं है, ये जो आप कह रहे हैं, अगर आप अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं तो विकास सिर्फ शिक्षा से हो सकता है, ध्यान दीजिए, शिक्षा जब उसका सुविधा भी होना चाहिए ना, मूलभूत आवश्यकता होना चाहिए ना, स्कूल के रहने के लिए सब कुछ बाउंड्री होना चाहिए उसके अंदर, तब ना आएगा। आप यहाँ पर मेरा इंटरव्यू आए हैं या फिर आप हमसे बस कर रहे हैं? हम आपका नहीं, आपसे कुछ नहीं लेना है, यहाँ पे हमको हमारे इस गाँव का स्कूल है वहाँ पे सुविधा नहीं है, बिल्कुल किस बात की सुविधा, हम बचपन से इसमें पढ़े थे, हम भी पढ़े हैं इसी स्कूल से, हाँ ये आ गए ना, आप भी पढ़े हैं इसी स्कूल, हाँ। किस सेशन से हैं आप, कब आपका नामांकन हुआ था और कब आपने 10 साल पहले का यहाँ का है, तो आप 8 साल से ना, हम 10 साल पहले का है ना, 10 साल पहले का मतलब आप कैसे, हम 10 साल पहले, हाँ आप इस पे भी बोलिए कुछ, क्यों नहीं हो रहा है, बिजली नहीं है, हम बोलेंगे, हम हर चीज पर बोलेंगे, हम पहले देखिए सबसे बड़ी बात होती है विकास होता है शिक्षा से, ठीक है, शिक्षा बहुत जरूरी है, हाँ। अब आप सबसे बड़ी बात है कि यहाँ लोग समझते हैं क्या, सरकारी विद्यालय में न शिक्षक पढ़ाते हैं और ना मतलब उनको पढ़ाने आता है, ये हमारे विभाग से लेकर के और निचले स्तर तक पूरा ये बात अफवाह फैला हुआ है। मैं एक मतलब शिक्षक हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके विद्यालय आपके इसी गांव में एक विद्यालय है डीएस इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल, मैं वहाँ बड़े वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, 9th 10th 11th 12th, अब तो 11th 12th हुआ है, 9th 10th पढ़ाता हूँ, वहाँ यहाँ से वही बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, मैं उन्हें पढ़ाता हूँ, लेकिन वही यहाँ मैं शिक्षक हूँ, यहाँ वो बच्चे पढ़ने नहीं आए, क्यों पढ़ाता ही नहीं, अब आप ही मुझे बताइए कि मैं ही एक शिक्षक हूँ, मैं यहाँ अगर वहाँ पढ़ाता हूँ तो क्या यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, ये बताइए। तो ये जो भ्रामक बातें हैं आप लोगों के चारों तरफ ये फैला हुआ है, मैं आपके ही गार्जियन से बोलता हूँ, आप ही बच्चे रहे हैं इस स्कूल के, मैं आपके गार्जियन से ये बात बोलता हूँ कि अगर आप अपने बच्चों को भेजेंगे स्कूल तब तो जाकर के पता चलेगा कि पढ़ाई होती कि नहीं, आपके बच्चे स्कूल तो आते हैं लेकिन वो सिर्फ फॉर्मेलिटी मेंटेन करने के लिए आते हैं, ना कि पढ़ने के लिए आते हैं, क्यों पढ़ने के लिए आएंगे तो उनके पास किताब होगा, उनके पास कॉपी होगा, उनके पास पेन होगा, बजाय तो सब कुछ होना चाहिए, आप खुद देख लीजिए कितने सारे बच्चे आए हैं जिनके पास किताब है, इवन उनको ये भी पता नहीं है कि उनका सिलेबस क्या है, उनको ये भी पता नहीं उनका किन क्लास में नाम लिखा हुआ, वो तो आपकी जिम्मेदारी है ना, आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी पढ़ाने की है ना कि उनको किताब और कॉपी प्रोवाइड करने की है। ये गवर्नमेंट वाला स्कूल है तो उसमें बुक भी दिया जाता नहीं है? नहीं सर, हम लोग को तो दिया जाता था उस टाइम में सरकार की तरफ से, बजाबता ऑनलाइन ट्रांजैक्शन डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है वहाँ पर, ठीक है, पैसे मिलते हैं बुक खरीदने के, सबको मिले हैं, तो वो नहीं आता था, आपका जिम्मेदारी आप बोलिए उसके गार्जियन को शिकायत कीजिए, गार्जियन को बोलने से कोई फायदा नहीं है, कारण क्या है, क्यों नहीं फायदा होगा, थोड़ा थोड़ा से ही
विकास किया जा सकता है। ये बात है, थोड़े थोड़े से विकास किया है। आज ये पांच बच्चे देख रहे हैं ना, ये जो पांच बच्चे दस बच्चे बैठे हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए नहीं आ रहा है यहाँ पे सुविधा सभी प्रकार का नहीं है, इसलिए बच्चे कम आ रहे हैं। नहीं नहीं सर, यही बात है, आप सुविधा की नहीं है, यहाँ बात है यहाँ पर मेंटालिटी। गाँव का जो गाँव के लोगों की मेंटालिटी ये है की प्राइवेट स्कूल में शिक्षा मिलती है और नहीं, उनको यहाँ का सर्टिफिकेट तो चाहिए लेकिन बच्चों का वो भरने के लिए नहीं भेजते। ये समझते हैं कि यहाँ का सर्टिफिकेट वैलिड है, इनसे ही सब कुछ होगा, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि यहाँ भी पढ़ाई होगी। देखिए क्वालिटी अच्छी होगी तो क्यों नहीं पढ़ाएगा बच्चा, बिल्कुल आएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं गर्मी में कोई अपना जान गवा के कैसे पढ़ेगा। आप देखिए ये तो विभाग नहीं, बिजली है, कुछ भी है, उस पे भी आपकी जिम्मेदारी बनता है। नहीं, ये तो कंप्लेंट कीजिए, हम लोग इससे पहले लिख करके दे चुके हैं, इसी विद्यालय के आप स्टूडेंट रहे होंगे, आप पता कर लीजिए यहाँ पर क्या कैसी व्यवस्था है। हम लोग इसमें पढ़ते थे पहले, ये जब हो गया वो देखते हैं, वैसे ही था ये, वो वैसे ही विधायक फंड वाला है, यहाँ तरह की बात आपको याद।